नमस्ते भैया बहनों। तो चलिए आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में भाषा पढ़ाऊंगी। भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। भाषा क्या पढ़ेंगे, भाषा, ये देखिए भाषा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो अपनी बात दूसरों को बताने तथा दूसरों की बात जानने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना, हम अपने मन की बात सामने वाले को समझा सकें और सामने वाले के मन भाव विचार स्वयं समझ सकें। विचारों का आदान प्रदान करना कि क्या कहलाता है, भाषा। क्या कहलाता है, भाषा। तो हम अपनी बात सामने वाले को कितने तरीके से समझा सकते हैं, यानी कि भाषा प्रकट करने के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीके से हम अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं। तो भाषा प्रकट करने के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तीन। कौन कौन से, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। लिखित, मौखिक, सांकेतिक। अब आता है हमारा लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में हम अपने विचार कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे, अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना। अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना यानी कि अपने मन के भाव विचारों को लिखकर समझाना। कौन सा रूप हुआ भाषा का, कौन सा रूप है, लिखित भाषा। जैसे पत्र, समाचार पत्र, कहानी, पुस्तक। लिखना और पढ़कर समझना, ये सब किसके उदाहरण है, लिखित भाषा के। किसके उदाहरण है, लिखित भाषा। अब आता है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को हम कैसे समझा सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करना। क्या होता है मौखिक भाषा में, अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर व्यक्त करना, बोलकर समझाना। जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन, रेडियो, भाषण आदि, ये सब किसके उदाहरण है, किसके उदाहरण है, ये सब मौखिक भाषा के। अभी जैसे टेलीफोन है, तो जब हम फोन करते हैं तो बोलते हैं ना उस पर, फोन पर बातें करना, और सामने वाला कैसे समझता है हमारी बात को, सुनकर। कैसे समझता है, सुनकर। तो ये सभी किसके उदाहरण है, हमारे मौखिक भाषा के। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में हम अपने मन के भाव विचारों को कैसे समझा सकते हैं, तो अपने विचारों को संकेतों द्वारा व्यक्त करना। कैसे समझाते हैं, सांकेतिक भाषा में अपने मन के भाव और विचारों को संकेतों द्वारा समझाना। इसका उदाहरण क्या है, जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही। चौराहे पर खड़ा सिपाही यानी कि ट्रैफिक पुलिस, जो कि संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रण करता है। तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, जब वो अपने संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रण करता है तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा का प्रयोग है, ये सांकेतिक भाषा। तो भैया बहनों आज आपने क्या पढ़ा, भाषा। भाषा किसे कहते हैं और भाषा प्रकट करने के कितने प्रकार होते हैं। तो आज आप सभी भैया बहन इसे ध्यान पूर्वक समझेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद।